सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 शनिवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शनि देव की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कौन सी कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 1 अप्रैल 2021 दिन शनिवार का है और महीना जो है वो बैसाख का रहेगा। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की पंचमी नामक तिथि बन रही है जो कि यह ठीक शाम के 4:41 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की षष्ठी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो मूल नामक नक्षत्र बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 10:15 तक चलेगा और इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो सिद्ध नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 4:41 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 1:47 तक चलेगा और इसके उपरांत साध्य नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 5:57 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है शाम के 6:50 पर। चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 11:43 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक सुबह के 10:35 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज का शुभ समय यह ठीक सुबह के 11:58 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। चलिए बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 9:10 से लेकर ठीक सुबह के 10:47 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ जाए तो मिट जाता है, अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है और शिप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फर्क है। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जिंदगी तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। चलिए बात करते हैं अब आपकी डेली राशिफल की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, हम आपकी डेली राशिफल की बात करने जा रहे हैं। अपने स्वास्थ्य और किसी मुद्दे से आप नज़रअंदाज कर रहे हो, हम आपको बताना चाहेंगे उनका खास ख्याल रखें। बुरे और बेवकूफ़ी भरे यौन संबंधों से बचना आपको तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। हम आपको बताना चाहेंगे आध्यात्मिक मामलों पर आपका ध्यान हो सकता है। बचपन की कोई घटना अचानक आपके दिमाग में ताज़ा हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। नए विचार और आविष्कार जीवन में उत्साह लेकर आएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे सबसे मिलना और उत्सव जीवन में प्यार का रंग लेकर आ रहे हैं। जल्दी से नई योजनाओं को बनाएं और जीवन का मजा लें। हम आपको बताना चाहेंगे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह बात ज़्यादा मायने रखती है इस बात से
कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके करियर की बात करते हैं। आज आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस कर सकते हैं। कार्यस्थल में आने वाले मुश्किलों और असहाय न महसूस करें, बल्कि पूरा साहस कठोर कर हर कार्य को पूरा करें। हम आपको बताना चाहेंगे, आपके सितारे बता रहे हैं कि जल्द ही धन लाभ होगा, यह पदोन्नति भी मिल सकती है। नए विचार और कल्पनाएं आपके जीवन को संवार देगी। आपको बस ध्यान रखना है, कोई महत्वपूर्ण यात्रा आपके शेड्यूल या दिनचर्या में बदलाव ला सकती है। बस आपको ध्यान रखना है, अपने जीवन में रंग भरने के लिए अपने दोस्तों से मिलें और उनके साथ समय बिताएं। हम आपको बताना चाहेंगे, जोखिम लेने से पीछे न हटें, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं। चलिए अब आपके लव लाइफ की बात करते हैं। अभी आप अपने प्रेम संबंधों में अधिक कामुकता और रोमांस महसूस करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके या अपने साथी की पसंद का ख्याल रखकर आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहती हैं। बस आपको ध्यान रखना है, कोई दुख, अपमान या कोई रोग इस समय चिंता का विषय हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे, आज आपके दिमाग में कुछ नए और रोमांटिक विचार हैं जिनसे आप उत्तेजना महसूस करेंगे। परिवार में टकराव आपके हौसले को कम कर सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। मतभेदों को अलग रखकर अपने प्यार का साथ दें। प्यार का इंद्रधनुष आज आपके लिए गुलाबी दिन लेकर आया है, इसका पूरी तरह से आनंद लें। दोस्तों, अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव सच्चे मन से जरूर लिख दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।